गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी जनरल सुपर हीरो मूवी से हटके है। इसमें एक अपना मजा है, इसमें लार्जर देन लाइफ आपको एक्शन देखने को नहीं मिलता बल्कि उसके रिप्लेसमेंट में इमोशंस मिलते हैं। जो बिग डैडी उसे हराना इजी होता है लेकिन उस तक पहुंचना मुश्किल। गार्डियंस की मूवी का अगर मेटाफोरिकल मीनिंग देखे तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 माँ के ऊपर थी, वॉल्यूम 2 बाप के ऊपर थी, एंड तीसरी मूवी फैमिली के ऊपर है, दोस्त के ऊपर है, दोस्ती के ऊपर है। देखो बेसिकली मूवी की जो कहानी वो बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। बेसिकली इसमें कहानी दिखाई जाती है रॉकेट की। रॉकेट को मूवी के स्टार्टिंग में एक बहुत भयंकर वाली चोट लग जाती है एंड अब उसे बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए गार्डियंस एक मिशन पे निकलते हैं एंड फिर से गार्डियंस एक्शन में आते हैं। अब कहानी कैसे आगे बढ़ती है, कैसे उसका एंड होता है, तो आप मूवी में देखना। लेकिन जिस तरह से कहानी चलती है, ये एक्शन की रोलर कोस्टर राइड नहीं बल्कि इमोशंस की रोलर कोस्टर राइड है। लेकिन एक बात और, अगर तुमने ट्रेलर एंड टीवी स्पॉट एकदम जम के देखा, मतलब जितने टीवी स्पॉट आए उनको सारों को फॉलो किया, तो तुम्हारे लिए मूवी का जो एक्सपीरियंस है वो डूम्ड हो चुका है। क्योंकि मूवी एक एक्सपीरियंस है, मूवी आपको इमोशन और रोलर कोस्टर राइड देती है अगर आपको हर एक टीवी स्पॉट याद हो। क्योंकि हल्के फुल्के फ्रैक्शन सब चीजें हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती है एंड जब तक अगर वो आपको नहीं दिखेंगे स्क्रीन पर, आपके दिमाग चले भाई ये तो सीन आया ही नहीं है। जैसे ट्रेलर देखने के बाद मूवी में कुछ ऐसे सीन्स थे जो कि देखने बाद फील हो रहा था यार ये तो सीन आया ही नहीं है, मतलब कुछ हो नहीं सकता है, मतलब कुछ बैड नहीं होगा मूवी में, जो कि इमोशन को जनरेट करने में मार देते हैं। क्योंकि आपका दिमाग उसी तरह से काम करता है भाई इसको कुछ होने वाला नहीं है, तो जो इमोशन आपको जनरेट हो सकते थे वो पहले ही मर जाते हैं। देखो मूवी जैसे स्टार्ट होती है आपको एकदम बैंग वाला गार्डियंस के टाइप का एक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिल जाता है, जिस तरह जेम्स गन की जेम्स से चेक स्टाइल है भाई। मूवी स्टार्ट हुआ नहीं कि भाई एक दबा के एक एक्शन सीक्वेंस फेंक के मार दो ऑडियंस के मुंह में, ऑडियंस एकदम हाइप्ड हो जाती है। इसमें भी वैसा कुछ आपको एक्शन देखने को मिलता है वारलॉक वर्सेस द गार्डियंस एंड उसी में हमारे रॉकेट भाई को चोट लग जाती है एंड जो वो एक्शन दिखता है वैसा एक्शन आपको लास्ट तक मूवी में कहीं पे भी नहीं दिखता है, मैं बता देता हूँ। उसके बाद मूवी पूरा इमोशनली खेलती है, मतलब आपको इतने पॉइंट ऐसे हैं कि आप ऑलमोस्ट रो दोगे। मैं ऑलमोस्ट 2 से 3 जगह मेरे आंखों से आंसू गिर रहे थे सिर्फ वो सीन्स को देख के, उस पेन उस ट्रॉमा उनके दर्द को देख के वो आप महसूस कर पाते हैं। गार्डियंस हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, अभी हॉलीडे स्पेशल आई थी हमने गार्डियंस को कितना हंसते खेलते देखा था, फिर अचानक से ऐसा कुछ देखना गार्डियंस के तौर पर एंड उनको एकदम ट्रॉमाटाइज हुए हुए देखना, उनको एकदम डरा हुआ सहमा सा देखना, इज क्वाइट पेनफुल। मूवी मेटाफोरिकली पर्पस ऑफ लाइफ के ऊपर बात करती है भाई, तुम्हारी पर्पस क्या है लाइफ को लेके, तुम कैसे लाइफ को परसीव करते हो, तुम कैसे लाइफ को देखते हो। एंड देखो मूवी की बात हुई रही तो एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी एंड जो मैंने नोटिस की, जिस तरह से कैमरा एंगल वर्क करते हैं, वो जो स्लो मोशन शॉट्स आते हैं रॉकेट के एंड पीटर के, वो तो बहुत बढ़िया लगते हैं, वो हर एक मूवी में होती है। लेकिन जो डॉजिंग कैमरा एंगल थे, आई मीन यार मतलब जैसे हम लोग पिक लेते हैं ना पबजी में, ऐसे ऐसे कैमरा एंगल वो सबसे अच्छा पार्ट लगा। आपको थर्ड पर्सपेक्टिव में दिखाया, 3D फॉर्म में दिखाया जा रहा है, मतलब आप सिर्फ सामने चीजें देख रहे हो भाई कैरेक्टर कैसे मूव कर रहा है, वो चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी। जो जिस तरह से कैमरा एंगल दिखाया गया था रॉकेट के मूवमेंट पे, स्टारलॉर्ड के मूवमेंट, वो मुझे बहुत अच्छा चीज लगा एंड बहुत कम मूवी इतने अच्छे इसको पुल अप कर पाते हैं, जो कि इस कैटेगरी में गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 आती है। देखो ये तो हो गई अच्छी अच्छी बात है। मूवी में कुछ कमियां भी थी, जैसे कैरेक्टर्स लाइक वारलॉक जिसको अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता था, जितना मैं जानता, मैंने कॉमिक नहीं पढ़ी लेकिन जितना मैं इस कैरेक्टर के बारे में जानता, इसमें और पोटेंशियल था, इसको और अच्छे से दिखाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे मूवी फीकी पड़ जाती है, कैरेक्टर को अच्छे से नहीं दिखाती है। लेकिन हाँ जिस तरह उसको एंड दिया जाता है, जिस तरह से वो सारी चीजें दिखाई, उसके कैरेक्टर कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, कैसे वो कनेक्ट करता है गार्डियन से, वो सारी चीजें मुझे अच्छी लगी। लेकिन जिस तरह से स्टार्टिंग उसको दिखाया गया वो बहुत पावरफुल फील होता है, फिर जैसे कहानी आगे बढ़ती है वो बहुत ज्यादा वीक फील होने लगता है। एंड ये एक ऐसी गार्डियन की मूवी है जिसमें दोनों गार्डियन की मूवी के कंपैरिजन में जो एक्शन है, जो बिग डैडी है, वो बिग डैडी नहीं लगता है। जो मूवी का बिग डैडी है वो सिर्फ नाम का बिग डैडी था, मतलब जो हाई इवोल्यूशनरी का जितना हवा बना के हमने सोचा था, जिस तरह से कॉमिक में से दिखाया गया कि मैंने हाई इवोल्यूशनरी पर अच्छी खासी चीजें पढ़ रखी है, उसके बारे में जो आर्टिकल्स वगैरह है विकिपीडिया पे मैंने उसके बारे में पढ़ा, भाई बंदा है उसमें ताकत बहुत ज्यादा है। लेकिन जिस तरह से इसमें दिखाया गया वो क्वाइट अनजस्टिफाइबल लगा कैरेक्टर से, कैरेक्टर से एक नाइंसाफी टच मुझे लगी। इसके साथ एक और सबसे बड़ी गलती, गमोरा कैसे जिंदा, इसका कोई हमें प्रूफ या फिर ऑथेंटिकेशन या फिर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया मूवी में, जिसके ऊपर हम मैं एक अगली वीडियो लाऊंगा जो कि बहुत ज्यादा डिटेल्ड होगी, जिसमें बहुत सारी चीजों को हम बात करें। लेकिन मूवी में इस सारी चीजों को जस्टिफाई नहीं किया गया, जो कि कमी है इस मूवी में। बेसिकली ये मूवी जेम्स गन के कंधों पे थी एंड जेम्स गन भैया ने प्रूफ कर दिया भाई एक मूवी कैसे बनाई जाती है, फेयरवेल एक किसी कैरेक्टर को कैसे दिया जाता है एंड हम कोई स्टूडियो छोड़ के जा रहे हैं तो अपना बेस्ट काम कैसे करके जाया जाए, उनको खराब माल मत दो, लोग तुमसे कनेक्टेड तुम्हारे माल देख रहे हैं, तो भाई तुमसे लोगों को प्यार इतना, कैरेक्टर से प्यार तुम्हारे तरीके से प्यार, तुम जैसे कैरेक्टर से दिखाते हो लोग उसको पसंद करते हैं। उसी तरीके से इसे भी दिखाया गया, जिस तरह गार्डियंस हैं जिनका जैसा कैरेक्टरिस्टिक है, जिस तरह उनका कैरेक्टर आर्क है उसको कंप्लीट करते हुए जिस तरह से इन्होंने दिखाया, आई लव इट। देखो मूवी के ऊपर और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसे बात की जा सकती है, लेकिन वीडियो लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को हम यहीं पे बंद करते हैं। आपको समझ में आ गया भाई आपको मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, ये क्लियर हो गया। मैं तो पर्सनली बोलूंगा भाई थिएटर में जाकर देखो, ये मूवी थिएटर में जाकर देखने लायक है, घर पे बैठ के देखना उतना मजा नहीं आएगा। मूवी में 2-3 जगह था भाई मैं ऑलमोस्ट रो दिया, क्योंकि मूवी बहुत ज्यादा इमोशनली हिट करती है। मतलब नॉर्मली सुपर हीरो मूवीज में एक्शन ज्यादा होता है लेकिन इस मूवी में इमोशंस ज्यादा हैं, जो कि बेस्ट पार्ट है। जो फैमिली वाला कनेक्शन है, जो दोस्ती वाला कनेक्शन है, जो प्यार का जिस तरह से चीज में दिखाया गया भाई, लव मीन्स सेक्रीफाइस, यहाँ पे सेक्रीफाइस दिखाया गया एंड वो जो तैरने वाली बात है, आई एग्री एंड डिसएग्री एट द सेम टाइम। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, मजा आया हो तो यार लाइक कर देना एंड अगर तुमने मूवी देख लिया तुम बताओ कमेंट करके भाई तुम्हें कैसी लगी ये मूवी। इसी के साथ हमने द केलेस्ट्री के ऊपर भी बात की, वीडियो
चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट दो वीडियो आने वाली बहुत जबरदस्त, जिनके टॉपिक में यही पर अगल बगल लिख देता हूँ, आप देख लेना भाई वो क्या टॉपिक्स हैं।